Subscribe to my channel Indian Fashion and Beauty and also press the bell icon for latest update, and it is totally free to subscribe. Welcome to my channel, and I hope you're all doing well. So if you are new on my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for latest update. And I'm here again with a review with NY Bay product, and I have a NY Bay eyeliner, and this is so if you want to know about this, then please keep on watching. सो फर्स्ट इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही नॉर्मल है, आईलाइनर की तरह एकदम ही नॉर्मल. ये एक ग्लास बॉटल में आता है, ये कोई भी बॉक्स में नहीं है, ये नॉर्मल जो ग्लास बॉटल होते हैं. और ये बहुत जो लैक्मे के इंस्टा लाइनर है उसी की करीब करीब बहुत सेम ही है उसकी तरह. और ये बहुत ही जेट ब्लैक है, बट ये टोटली वाटरप्रूफ नहीं है या फिर स्मच प्रूफ नहीं है. इसका जो कैप है वो प्लास्टिक कैप है, और ये आप इसको देख सकते हो, ये बहुत ही छोटा है तो इसको आपको पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. बट इसका जो टिप है वो बहुत थिक नहीं है, बहुत थिन नहीं है, बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो. ये आप देख सकते हो इसका जो थिक टिप है. सो ये जो प्रोडक्ट है, ये आईलाइनर बहुत ही रनी है, मतलब आप जब इसको डिप करके निकालोगे तो बहुत ज़्यादा ही निकल जाता है. तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर करके उसके बाद अप्लाई करना है. तो मैं इसको अपनी बैक साइड में अप्लाई करूँगी, बट इसका कलर जो है बहुत ही जेट ब्लैक है. आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही ब्लैक है. बट माइनस पॉइंट यही है कि ये बहुत टाइम लेता है सूखने में. अगर आप अपनी आईज़ पे अप्लाई कर रहे हो या फिर बहुत ही थिक करके अप्लाई कर रहे हो, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ड्राई होने के लिए, उसके बाद आप दूसरे आई पे अप्लाई करो, अदरवाइज़ वो फैल सकता है. तो जब भी आप इसको अप्लाई करो, थोड़ा टाइम लेकर ही आप इसको अप्लाई करो, क्योंकि अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसको मत अप्लाई करना, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लेता है सूखने. एंड मेरे हिसाब से ये आईलाइनर बिल्कुल भी स्मच प्रूफ या वाटर प्रूफ नहीं है, और ये समर्स के लिए तो बिल्कुल भी बेस्ट आईलाइनर नहीं है. अदरवाइज़ अगर आप इसको नॉर्मली दो या एक घंटे के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको बहुत टाइम के लिए यूज़ करना है तो ये नहीं वर्क करेगा, बिल्कुल भी वाटर रेजिस्टेंट या फिर स्मच प्रूफ टोटली नहीं है. ये एक से डेढ़ घंटे तक ठीक रहता है, उसके बाद से एकदम फैलना शुरू हो जाता है, और वाटर रेजिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है. सो गाइज, एज यू कैन सी, इट इज़ नॉट अ स्मच प्रूफ आईलाइनर. ये बहुत ही बुरी तरीके से स्मच हो जा रहा है. जस्ट स्मच प्रूफ ही नहीं है तो वाटर रेजिस्टेंट होने का तो कोई चांसेस नहीं है. एज यू कैन सी ये कैसा है. तो गाइज, आपको मेरा ये रिव्यू आईलाइनर के ऊपर, NY Bay का आईलाइनर के ऊपर अगर पसंद आया, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया देन प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.